Welcome back to my channel. So in this video we are going to understand the uses of tenses. So tenses basically means time. Tenses time को relate करते हैं. Tenses को हम हिंदी में काल कहते हैं, पंजाबी में हम इसे समा कहते हैं. So time जो है वो 3 types का होता है. आपको पता ही होगा time कौन कौन सा होता है. जो आने वाला है भविष्य हमारा, जो चल रहा है हमारा वर्तमान काल होता है, और जो बीता हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं, मतलब जो पास्ट है हमारा. इंग्लिश में से हम प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं. ओके, एंड दिस 3 टाइप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. लेट अस सो दैट फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वी यूजली सॉ इंडेफिनेट टेंसेस, हम इसे सॉ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. सो लेट अस सॉ द यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के यूजेस हम देखेंगे इस वीडियो में. लेट अस सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रूल बता देती हूँ क्या होता है बच्चे इसका. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस प्लस सब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो गाइज, लेट अस सॉ द यूजेज ऑफ एस और ईएस. आपको कंफ्यूजन होगी कि हम एस और ईएस कहाँ यूज़ करते हैं. लेट अस सॉ दैट देन देयर इज एनी नेम, जहाँ पर कोई नेम हो, राम, श्याम, गंगा, यमुना, हिमालय, कुछ भी, और ही और शी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एस और ईएस. सो आपको कंफ्यूजन होगी कि हम एस कहाँ यूज़ करते हैं और ई एस कहाँ यूज़ करते हैं. बच्चा बेसिकली जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ही और शी, इनके साथ हम ई और एस, ई एस यूज़ करते हैं. ठीक है गाइस, यहाँ पर ही और शी के साथ ई एस यूज़ करते हैं, किसी सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ या फिर किसी के नेम के साथ हम सिंपल एस यूज़ करते हैं. ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पर अगर गंगा आएगा तो गंगा के साथ जो फिलअप होगी ना, वहाँ पर हम एस यूज़ करेंगे. जैसे कि गंगा फ्लोज, नॉट फ्लोइज. ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ इट वी, बट नो वी नेवर यूज एस और ईएस विद आई, वी. ओके, एंड वी ऑल्सो, यू ऑल्सो. ओके, हम इन तीनों के साथ कभी भी एस और ईएस यूज़ नहीं करते. स्टिल आई जो हमारे पास सिंगुलर है, देन भी हम नहीं यूज़ करेंगे. यहाँ पर नोट करना कि आई के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते एस और ई एस. ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ डू और डस का यूज़ देखते हैं कि ये सिंगुलर के साथ आता है या प्लूरल के साथ. ओके, तो बेसिकली डू है वो प्लूरल के साथ आता है. वी, दे एंड आई, यू आर कंफ्यूज. यहाँ पर हमने पहले फिर से आई यू लिख दिया. बच्चा ये आप याद रखना, हम आई यूज़ करते हैं, आई को हम यहाँ पर प्लूरल में काउंट करते हैं इंटरोगेटिव्स में. और डस का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, ही, शी और इट. लेट अस सॉ द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, आई मीन टू से सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का यूज देखते हैं हम. द फर्स्ट यूज़ यहाँ पर क्या है बच्चा, हैबिटेटुअल एक्शन, मतलब जो हमारी हैबिट है, रोज़ाना का जो कार्य करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. हम रोज़ वॉकिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. यूनिवर्सल ट्रूथ, नेक्स्ट यूज़ इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बदला ना जा सके, जो हमारा यूनिवर्सिटी का, पूरे यूनिवर्स का जो सच्चाई है उसे हम बदल नहीं सकते, टुकरा नहीं सकते. वो ना ही हमारा बीता हुआ समय तो नहीं है, इसलिए हम बीता समय यूज़ नहीं सकते. कि अगर सन है तो सन तो आज भी है, वो तो ट्रुथ है हमारा, इसलिए यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट इज सिचुएशन दैट इज़ परमानेंट, जो परमानेंट है या फिर कोई फैक्ट जिसे हम बदल नहीं सकते, फैक्ट वो सिचुएशन जो परमानेंट हो. जैसे कि किसी का राम राम है तो उसका नाम राम ही रहेगा. ठीक है, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इज मींस फ्यूचुअरिटी इज इंडेंटिफिकेटेड बाय समवन, जब किसी ने भविष्य के बारे में पहले से ही कोई डिसीजन ले लिया हो उस लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारा स्कूल, आपको रेशियो में लिखेंगे कि हमारा स्कूल है रीओपन्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक. उन्होंने फ्यूचर के लिए यहाँ पर भी यहाँ पर रीओपन्स यूज़ किया, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है. लेट अस सॉ द एग्जांपल्स हियर. द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर राइज दिस. सो बच्चे यहाँ पर राइज एक मेन वर्ड है, राइज इस टेंस में लिखेंगे. यहाँ पर आपको राइज दिया जाएगा, इसके साथ हमने यूज़ ऐड करना है एस. ओके, एस ऐड किया है हमने यहाँ पर, ई और एस यूज ने ही किया हमने. ठीक है, नेक्स्ट द मून अकर्स ड्यूरिंग नाइट, द मून है वो रात को निकलता है, सिंपल ट्रूथ है. यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ करना है हमने सिंपल. नेक्स्ट माई हाउस फेसेस इन द नॉर्थ, ये हमारी जो सिचुएशन है वो परमानेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंपल यूज़ किया प्रेजेंट टेंस. द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट वीक, जो कॉलेज हैं वो नेक्स्ट वीक से खुल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स. सो गाइस लेट अस सॉल्व मोर एग्जांपल्स हियर. द वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज लिखा है बच्चे, इट इज़ अ ट्रूथ. किसी का पानी होगा वो
जीरो डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रुथ है, तो इसे बदल नहीं सकता। यहाँ पर हम सिंपल टेंस यूज़ करेंगे और ये हमारा जो है ये एक है जो है ना एक सब सिंगुलर वर्ड चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एस और एस लगाएंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फ्रीजेस। यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली बच्चा वी विल यूज़ हियर फ्रीजेस। ओके द नेक्स्ट यूज इज डैश यू डैश मिस्टर शर्मा। यहाँ पर डू लिखा है मैंने बच्चा, डू क्यों लिखा है बच्चे? आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर डू क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज़ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो डू यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने बताया था आपको कि आई वी दे यू के साथ भी हम आप डू यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आएगा नो डैश, ठीक है। नेक्स्ट आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, यहाँ पर एवरी डे लिखा है, हैबिट टू एक्शन है, तो यहाँ पर प्ले आएगा और यहाँ पर एस और यस नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। डज शी एवर डैश क्रिकेट, क्या उसने कभी क्रिकेट खेला है, क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे, सॉरी। सो देखो यहाँ पर ही के साथ मैंने बोला था डज लगता है, शी के साथ भी डज लगता है, तो ही एवर डैश क्रिकेट यहाँ पर आएगा बच्चे, प्ले आएगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एस और यस क्यों नहीं आया, बच्चे क्वेश्चंस में एस और यस यूज़ नहीं होता। वैसे भी द गंगा फ्लोस इन टू द बे ऑफ बंगाल, मैंने फ्लोस बोला है क्योंकि गंगा है ना वो सिंगुलर है और इसके साथ यहाँ पर एस और यस तो लगना ही है। मैंने जैसे बोल दिया ई एस जो है वो हमारे पास ही और शी के साथ ही यूज़ होता है, जो हमारा एस और यस है बच्चा वो ही और शी के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ई और एस लगेगा बस इसके साथ, यहाँ पर गंगा है तो यहाँ पर क्या लगेगा एस लगेगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्लोज। ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक आवर चैनल।